हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने जारी की सूची। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी की सूची जारी की थी, जिसमें कुछ घंटे बाद ही वापस ले लिया गया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हवाले से यह सूची जारी की थी और इस कमेटी की कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी गई थी। उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। इस सूची में अशोक तंवर, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, महेंद्र प्रताप सिंह, कैप्टन अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल, कैलाशो सैनी, अनिल टक्कर और कुलदीप शर्मा, जयवीर सिंह वाल्मीकि, सरदार जयपाल सिंह लाली के नाम भी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जल्द ही हरियाणा के प्रदेश कैंपेन कमेटी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर सकती है। वहीं 3 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।